देश के बाद भी हम लोग को यहाँ मुख्यमंत्री जो है नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमारे बड़ी अधिकारी से समझौता वार्ता सब हुआ से दिया जाएगा लास्ट में है जाके हम लोग का खत्म हो जाता है। अगर हो सके कि हड़ताल पर आना पड़े निश्चित काल हड़ताल पर भी आएंगे। 3 साल लग जाता है मिलने में, हम लोग का वेतन जो मिलता है समय से नहीं मिलता है। मान लीजिए सरकारी कर्मचारी जो है विधान परिषद का चुना हुआ उस सबका पेमेंट हो गया हो, गिरक्षक भाई को पेमेंट नहीं हुआ। बिहार शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिकम मौजूद हैं गर्दनी बाग में। आपको बता दें कि होम गार्ड का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है आज गर्दनी बाग में मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी भारी संख्या में जो है यहाँ लोग मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर। इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या मांगे हैं और किन किन मांगों को लेकर जो है यहाँ वो बैठे हुए हैं। अब देख लें किस तरह से भारी तादाद में लोग हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है आपको बिहार रक्षा वाहिनी, आपको हर तरफ जो है दिखेगा, हर ज़िले से, बिहार के हर ज़िले से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं अपने धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर। इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या क्या पूरा। क्या नाम हुआ आपका? हरे राम सिंह। क्या क्या मांग है आप लोगों की, किस वजह से आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं? उच्च न्यायालय दिल्ली के, उच्च न्यायालय पटना के फैसले का आदेश अनुसार राजगृहरक्षकों को समान काम समान सुविधा पुलिस को मिलने वाली सभी सुविधाओं को दिया जाए। गृहरक्षकों को माह में 5 दिनों का भत्ता सहित अवकाश दिया जाए। तीसरा में सभी सेवानिवृत्त गृहरक्षकों को सेवानिवृत्ति का लाभ 1.5 लाख से 1,50,000 रुपया 20 वर्ष के 10 वर्ष के प्रतिबंध हटाते हुए 10 साल जो नौकरी करता है उसको प्रतिबंध लगा हुआ है तब मिलेगा, उसको भुगतान किया जाए। चौथा में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सेवानिवृत्त का लाभ 1.5 लाख रुपया को बढ़ाकर 5 लाख रुपया, जो महंगाई जिस तरह से बढ़े उसको 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया जाए। सर सर और क्या क्या आप लोगों की? हम लोगों का जो महंगाई 34% जो है हर पुलिस विभाग को मिल गया, वो अभी बाकी है नहीं मिला, हर स्टेट में मिल गया गिरक्षक को 10, हाँ मिल गया, लेकिन बिहार में हर जगह लागू हो गया, खाली मुख्यमंत्री के तहत रोका गया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जो कि आदेश है सेम काम सेम सुविधा सेम वर्क क्यों नहीं मिल रहा है। आदेश के बाद भी इस तरह से क्यों किया? आदेश के बाद भी हम लोग को यहाँ मुख्यमंत्री जो है नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमारे बड़ी अधिकारी से समझौता वार्ता सब हुआ से दिया जाएगा लास्ट में है जाके हम लोग का खत्म हो जाता है। हाँ, लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ आप लोग पहुँचे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। क्या लगता है सरकार आपकी मांग जो है, जो मुख्य मांग है आपकी, उसको मानेगी या नहीं मानेगी? अब तो इस सरकार के हाथ में है, इससे तो कोर्ट के न्यायालय से हम लोग का अथू हो गया है, मिल गया है, कोर्ट से आप लोग क्लियर हो गया है, मगर जी सरकार नहीं मानती। जी तो अगर सरकार नहीं मानती तो फिर क्या करेंगे? हम लोग धरना पर बैठे हैं, चरणबद्ध शांतिपूर्वक अभी कर रहे हैं। आपका एक दिवसीय धरना है, इसके बाद हम लोग का संघ अगला टर्म का योजना बनाएगा, उस तरफ से करेंगे। अगर हो सके कि हड़ताल पर आना पड़े निश्चित काल हड़ताल पर भी आएंगे, क्योंकि आप लोग भी हमेशा कदम से कदम मिला के चलते हैं। जितनी जिम्मेदारी पुलिस की उतनी जिम्मेदारी आप लोग की भी है। उसके बाद भी दोहरा व्यवहार आप लोग का हो रहा है, आदेश के बाद कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। और क्या क्या मुख्य मांग है आपकी? मुख्य मांग है कि जैसे कि हम लोग का जो जैसे महंगाई बढ़ता है उसमें महंगाई भत्ता, वर्दी भत्ता जैसे हम लोग को प्रत्येक साल हुआ है, जो कि 2 साल पर 3 साल लग जाता है मिलने में। हम लोग का वेतन जो मिलता है समय से नहीं मिलता है। मान लीजिए सरकारी कर्मचारी जो है विधान परिषद का चुना हुआ उस सबका पेमेंट हो गया हो, गिरक्षक भाई को पेमेंट नहीं हुआ अद्दुमा, इसीलिए हम लोग का हर चीज़ सेम हो रहा है तो सेम मिलना चाहिए। तो जब पेमेंट लेट होता होगा तो जाहिर सी बात है कि घर परिवार भी चलाने में काफ़ी दिक्कत आती होगी। हाँ, हम लोग 4 आज धरना पर हैं, आज ये पैक्स उपचुनाव हो रहा है, 2 दिन का मात्र पैसा मिलेगा और 4 दिन ड्यूटी कराएगा। जैसे कि मान लें कि 17 को बुलाया, 18 का मान दिया, 19 की ड्यूटी करेंगे, 20 को घर जाएंगे, लेकिन मिलेगा मात्र 2 दिन का। मतलब 4 दिन के ड्यूटी में बस 2 दिन मिलेगा माता, इसलिए हम लोग को साथ शोषण भी किया जाता है। शोषण भी आप लोगों के साथ किया जाता है। इन्हीं सारी मांगों को लेकर जो है आज यहाँ आप उतरी। हाँ, हम लोग यहाँ उतरी है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो इससे बड़ा आप लोग प्रदर्शन, फिर हमला संघ के अनुसार बड़ा प्रदर्शन करेंगे। लगभग कितने संख्या में आप लोग आज पहुँचे? आज लगभग हम लोग 3-4 हज़ार के लगभग, 3-4 हज़ार संख्या में। अभी आ सकते, आज चुनाव नहीं रहता तो 10-10 हज़ार संख्या हो सकती। चुनाव नहीं रहता, हाँ, सब गिरक्षक भाई चुनाव सरकार के अपना नौकरी बचाते हो कि शांतिपूर्वक करना है चुनाव में, हर जिला से लग गए हैं 400-500। हाँ, ड्यूटी में जो ड्यूटी बचा रहे हैं। तो लगातार आप लोग की मांग यही है कि आप लोग का वेतन जो है टाइम पे टाइम मिलना चाहिए, जो मिल रहा है सुविधा जो पास है वो भी मिलना चाहिए। वो भी मिलना चाहिए। हाँ, जो जो कोर्ट आदेश दिया है
सेम काम का सेम वेतन तो सेम मिलना चाहिए, बस यही बात। तो आप देख सकते हैं किस तरह से होमगार्ड लोग जो हैं प्रदर्शन करने का, साफ तौर पे कहना है कि वेतन इन्हें जो है वो टाइम पे नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ की कोर्ट का आदेश भी हो गया है मगर सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं निकाला गया। आपको बता दें कि इनका साफ तौर पे ये भी कहा गया है, कह रहे हैं कि इनका शोषण भी किया जाता है, 4 दिन की ड्यूटी में सिर्फ 2 दिन की तनख्वाह मिलती है। अब ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, कहा कि अगर सरकार नहीं बात मानेगी तो इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ अब हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।